समय के साथ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने की प्रथा बदल गई है। पूजा में उपयोग की जाने वाली एकमात्र वस्तु मिट्टी के बर्तन और मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं। तो कुम्हार के परिवार द्वारा समय के साथ अपनाए गए टेराकोट का भी काम कोरोना के कारण ठप हो गया था। इस साल कुम्हार के परिवार ने टेराकोट के राखी का निर्माण शुरू कर दिया। कुजंग ब्लॉक के नूनुकुआ, भुताई मुंडा और फतेहपुर क्षेत्र में महिला स्वयं सहायता समूह यह काम कर रहे हैं। जगन्नाथ गणेश स्वास्तिक ओम प्रभुति मिट्टी से बने हुए राखी का पैकिंग कर रही है। पिछले 2 साल से हाथ पकड़े हुए परिवार इस साल राखी बेचकर अच्छा जीवन जीने की उम्मीद कर रहे हैं। हमें माटी को सब गोल्डन कलर दे सब दोकान मैंने भी आसी देखिकी पसंद करछन किंतु आमे तो देई परिबुनु एते हमरो आम पाखरे स्टॉक माल नाही ना तो आमे स्टॉल को नै गिरि जेबु से हम थरे ग्रुप कना ये जिंसटा आउ कोडी नाही ना जरी कागज रे होतला ये माटी रे तैयारी होछि। उड़िया घराने की महान परंपराओं में से एक है रक्षाबंधन। भाई बहन के रिश्ते के लिए हर साल राखी पूर्णिमा मनाई जाती है। बाजार में तरह तरह की राखी उपलब्ध होते हैं, लेकिन इस साल पहली बार मिट्टी की राखी बाजार में मिलने जा रही है। जिला PDDRDA व ओरा मास अधिकारियों के प्रोत्साहन और सहयोग से इन महिलाओं ने बना रहे हैं राखी। इसके लिए टेराकोट के प्रशिक्षक नवगन बेहरा ने राखी बनाने के लिए विशेष टेम्पलेट बनाकर महिलाओं को प्रशिक्षित किया। कटक से जरी राखी पैकिंग के लिए कागज और पत्थर मंगाकर आकर्षक राखी बनाई जा रही है। और मास के तरह जगत सिंहपुर में एक स्टॉल दिया जाएगा। इसकी तैयारियां जहां अंतिम चरण में है, वही विदेशी व्यापारियों की भी इस राखी में दिलचस्पी देखने को मिल रही है। जगत सिंहपुर पारादीप से सुदर्शन बिस्वाल की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। अब इसी तरह पूरी दिल्ली आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।